हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू वी फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 16.1 दैट इज चैप्टर 16 वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संपर्क की जांच, हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.1 का 2 तक कम्प्लीट करा था। ओके, सो आज हम लोग एक्सरसाइज 16.1 का 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं किया था, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखोगे नहीं। सो मैं आज इसमें ये कर रही हूँ, एंगल ए बी सी डी और ई एफ, ये सब का, ये जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो चलो इसे हम बनाते हैं। सो फिगर हमारा ये है। गाइज, आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी मैंने बताया है कि जितने भी इसमें सम्स है इम्पोर्टेंट है, सो आप लोग इसे ध्यान से देखो, समझो, और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग को मैथ्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। सो आप लोग का इतना ये करना होगा, प्लीज हम लोग का चैनल प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, ये हमें सबका वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ लिखेंगे ये वाला ट्राइंगल से, ये तीनों ट्राइंगल हम पहले लेंगे। ट्राइंगल ए ओ बी, देखो ये ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ लिख सकते हैं। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ मत लिखो, क्योंकि ये इसका है, ये वाला एंगल है, ठीक है, एंगल ओ सब में आएगा। तो एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं, ए ओ बी भी लिख सकते हैं। सो मैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको लेकर चलेंगे, इन ट्राइंगल सी डी ओ, सी या सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी, ये वाला ट्राइंगल में इक्वल नहीं होगा। इन ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ओ, दैट इज सी ओ डी, सी ओ डी, ये वाला एंगल इक्वल टू 180, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान 180 होता है। उसी तरह से इन ट्रायंगल ये ई ओ एफ, ई ओ एफ, इन ट्रायंगल ई ओ एफ, एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ओ, दैट इज ई ओ एफ, ई ओ एफ इक्वल टू 180 लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इन तीनों को प्लस करके हमें इसका आंसर चाहिए। सो तीनों को हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 1, 2 एंड 3। ओके, सो बाय एडिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या हमें मिल रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई ओ एफ इक्वल टू, इधर भी ऐड करना होगा, दैट इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी इतना ही छोड़ देंगे यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं 540, ओके 540 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अब हमें यहां से, अब यहाँ ध्यान देना, इसके आगे अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। अब हमें यहां से ये जो एंगल्स है ना, ये तीनों एंगल, इन तीनों एंगल का हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है। उसके बाद हमें एंगल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तीनों सबका वैल्यू हमें निकल जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ ये भी कर सकते हो, ये जितने भी एंगल्स है सबको एक साथ लिख सकते हैं हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस
एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल ईओएफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 540 डिग्री। ओके, अब यहां देखना एंगल एओबी क्या है, एंगल एओबी ये वाला है, ठीक है। एंगल एओबी इक्वल टू एंगल हम ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, सम्मुख कोण है, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो जो दो एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो हम एंगल एओबी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल डीओई, ये वाला एंगल, ठीक है, डीओई। तो हम यहां पे लिख रहे हैं इसीलिए एंगल एओबी इक्वल टू एंगल डीओई। ओके, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। ओके, अब इसी तरह से आप यहां भी देखो, ये वाला एंगल हमारा हो गया एंगल एओबी, ये वाला हो गया सीओडी। अब देखो सीओडी, सीओडी को हम, ये वाला एंगल जो हमारा है वो हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, सो हम यहाँ पे ये देखो दो स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल बन रहा है इसके इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सीओडी, एंगल सीओडी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एओएफ, एओएफ। ओके, क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, उसी तरह से अब ईओएफ, ईओएफ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है। ओके, तो हम यहां भी लिख सकते हैं एंगल ईओएफ इक्वल टू एंगल बीओसी, बीओसी इक्वल टू एंगल बीओसी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप यहां ध्यान देना, ये जितने भी एंगल्स है ना, एंगल ये वाला, एंगल ये 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 ये, ये सबको मिला के देखो एक सर्कल बन जा रहा है। सबको मिला दिया जाए तो सर्कल बन जा रहा है, और सर्कल यानी ये टोटल एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, तो 360 होता है। इसलिए हम पहले सबको ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब ऐड करके हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल, एंगल ए ओ बी सबको ऐड कर लेते हैं। ओके, प्लस एंगल सीओडी, सीओडी प्लस एंगल ईओएफ प्लस एंगल ये डीओई, डीओई प्लस एंगल एओएफ प्लस एंगल बीओसी, दैट इज कितना हुआ, यदि हम टोटल को ऐड करें तो 360 हो रहा है। कैसे, देखो एक स्ट्रेट लाइन का वैल्यू मैंने पहले बताया था ना, इतना से इतना का कितना वैल्यू होता है, 180 होता है। फिर ये यदि हम पूरा घुमा दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये टोटल इक्वल टू 360। ओके, अब हमें ये ध्यान देना कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एओबी, सीओडी और ईओएफ, ये तीनों एंगल चाहिए। तो जो ये एओबी, सीओडी और ईओएफ है, इसके जगह पे ये जो एंगल्स हैं, ये देखो यहाँ पे इन दोनों को एओबी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डीओई। ओके, तो हम डीओई के जगह पे हम एओबी तो लिख सकते हैं, इक्वल है दोनों, तो हम यहाँ पे डीओई के जगह पे एओबी लिखेंगे। ओके, और एओएफ के जगह पे सीओडी लिखेंगे और बीओसी के जगह पे ईओएफ लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना होगा, आप इतना देख लो, मुझे ये मिटाना होगा, फिर मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को सुविधा हो, प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल ईओएफ प्लस जो हमारा एंगल था एओएफ, उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, एओबी। सो हम यहाँ एओएफ के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सीओडी। ओके, सो एंगल सीओडी प्लस, अब देखो ईओएफ ये एंगल, यानी इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल लिखेंगे, क्योंकि सब इक्वल है, ठीक है। तो बीओसी के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ईओएफ। ओके, ईओएफ एंगल ईओएफ इक्वल टू कितना आया था, 360। ओके, अब देखो एओबी, एओबी, सीओडी, सीओडी, ईओएफ, ईओएफ। ओके, तो इसका मतलब लिख सकते हैं टू, टू एंगल एओबी प्लस टू एंगल सीओडी प्लस
टू एंगल ई ओ एफ इक्वल टू कितना 360। टू हम तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ई ओ एफ इक्वल टू टू, यदि हमने कॉमन निकाल लिया और इस टू को जो भी कुछ रहता है वो सब नीचे जाता है इधर यदि आएगा तो। ओके, टू यदि था यहाँ पे और टू यदि इधर आ गया तो बाई में चला जाता है, दैट इज 180 डिग्री। सो ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ई ओ एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। ओके, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ था? नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस, अब ए ओ बी सी ओ डी और ई ओ एफ का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 180, तो हम इसके जगह पे 180 लिख देंगे। ओके, और कितना यहाँ पे हम लिखे थे 540 डिग्री। ओके, तो हम तीनों ऐड किए थे तो हमारा 540 आया था पहले। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 540 माइनस 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री आ गया हमारा आंसर। यही हमारा क्वेश्चन था कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का कितना वैल्यू होगा, दैट इज ये हमारा कितना आया 360 आया। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, एक ट्रायंगल दिया है, इसका बहिष्कोण दिया हुआ एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल। ओके, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, एंगल बी एंगल सी और एंगल ए तीनों का वैल्यू हमें, ये तीनों का वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो एंगल सी, यहाँ पे बहिष्कोण है ये, ओके एक्सटीरियर एंगल है, और बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, बहिष्कोण यहाँ पे है तो हम पहले यहाँ से क्या करेंगे, एंगल सी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके तो इतना का दिया हुआ है तो हम इतना का निकाल लेंगे 180 से यदि माइनस करेंगे तो हम इसलिए पहले निकालते हैं एंगल ए सी बी। ओके, पहले लिखेंगे गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू दिया हुआ है 112 डिग्री। ओके, 112 डिग्री दिया हुआ है ये। उसके बाद यहां पे हमें एंगल सी निकालना है, दैट इज ए सी बी। नाउ ए सी बी, ए सी बी या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी डी, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। ओके, तो हम लिखेंगे यहां पे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 है, ठीक है। तो हम यहां से एंगल ए सी बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए सी बी प्लस 112 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो एंगल ए सी बी इक्वल टू यहाँ कितना हुआ, 180 माइनस 112 डिग्री, दैट इज 68 डिग्री। ओके, इतना हो गया, 68 डिग्री निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, यानी ये यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एंगल जो सी यदि रहेगा वही हमारा एंगल बी होगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ओके सो एंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ओके दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं 68 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे सो एंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 68 डिग्री। ओके, ये हमारा 68 आ गया और ये भी 68 हो गया, तब हम ये निकाल लेंगे सो एंगल बी ए सी ये वाला एंगल। ओके, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या होगा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। ओके, सो
एंगल बी ए सी प्लस 68 प्लस 68 ओके इक्वल टू 180 डिग्री ओके सो एंगल बी एंगल बी ए सी प्लस इधर होगा हमारा 136 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ओके सो एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री दैट इज 44 डिग्री तो ये आ गया हमारा आंसर बी ए सी यानी ये तीनों कोणों का यहाँ पे मान हमारा निकल गया ओके तीनों एंगल्स का हमारा वैल्यू यहाँ निकल गया ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए सी ओके और तो हमें एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू हमें निकालना है एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे 80 डिग्री दे दिया है हमें ये निकालना है चलो हम इसे निकालते हैं तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया है ओके तो अब हम निकालेंगे देखो आप लोग जानते हो कि ये एंगल ए बी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए सी इसका मतलब क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज है आइसोसेलस ट्रायंगल है और आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है जब दो भुजाएं यानी दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हम लिख सकते हैं ओके नाउ एंगल ए बेटर रहेगा एंगल बी ए सी लिखो ओके एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री हम जानते हैं वी नो दैट तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 होता है ओके एंगल बी ए सी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 80 डिग्री ठीक है अब एबीसी इक्वल टू एसीबी है तो हम यहाँ पे एबीसी या एसीबी कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है तो एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी ओके इक्वल टू 180 क्यों क्योंकि एबीसी इक्वल टू एसीबी ओके यहाँ लिख दो सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ओके सो टू एंगल एबीसी इक्वल टू 180 80 इधर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा दैट इज 100 ओके सो हम यहां से निकाल लेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू 100 बाई 2 दैट इज 50 डिग्री ओके तो ये हमारा एंगल ए बी सी यानी ये एंगल 50 डिग्री निकल गया तो ये भी 50 है क्यों क्योंकि एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी सो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए सी बी ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री क्यों क्योंकि सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ओके तो हमारा यहाँ पे तीनों का वैल्यू निकल गया ये हमारा आंसर हो गया तो गाइज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे तो आज के लिए इतना ही घर में रहो सुरक्षित रहो ओके थैंक यू स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय